ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनितिनामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चलिए हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में चर्चा करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कलयुग के लोगों को उद्धार करने के लिए और अपने ही प्रेम यानी कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता बताए हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब इस धराधाम में प्रकट लीलाओं को कर रहे थे उस समय अपने नित्य संगियों के साथ अनेकों वार्तालाप किए हैं और उन सारे वार्तालापों में अनेकों शिक्षाओं को उन्होंने प्रदान किया हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। जैसे श्रील सनातन गोस्वामी को बनारस में श्री चैतन्य महाप्रभु ने लगभग 2 महीनों तक भक्ति तत्व के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में, कृष्ण प्रेम के बारे में, अनेकों विषयों के बारे में उन्होंने शिक्षा प्रदान की। ठीक उसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी को भी उन्होंने दशाश्वमेध घाट में शिक्षा प्रदान किया। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारत की यात्रा के समय श्री रामानंद राय के साथ की उनका वार्तालाप हुई, उसमें भी कृष्ण तत्व के बारे में उन्होंने कई गुह्य रहस्यों को उन्होंने प्रकट करवाया। साथ साथ में सार्वभौम भट्टाचार्य को जगन्नाथपुरी में उन्हें भी शिक्षा प्रदान की, प्रकाशानंद सरस्वती को, श्रील हरिदास ठाकुर। मगर इन सभी श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में एक विशेषता है। विशेषता यह है कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए और अर्जुन ने प्रश्न पूछा, मगर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में कई बार भगवान स्वयं प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर को वो अपने शिष्य के मुखारविंद से जो है प्रकट करवाते हैं, और कुछ जगहों पर वे खुद उत्तर देते हैं और उनके शिष्य के अंदर जो है प्रश्न को जो है वो जागृत करवाते हैं। इस प्रकार से अनेकों जगहों पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत ही मुख्य कृष्ण तत्व के बारे में उनके भक्तों को द्वारा उन्होंने प्रकट करवाया है। उसमें से सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो श्रील सनातन गोस्वामी के साथ हुई, ये बनारस में गंगा के तट पर। हम सभी लोग जानते हैं श्रील सनातन गोस्वामी किस प्रकार से मुसलमान राजा के पास, राजा के नौकरी को छोड़कर वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए सीधा वो
बनारस जाकर पहुँचते हैं। उस उन कथाओं को हम कई बार सुने हुए हैं। तो आज हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जब सनातन गोस्वामी के साथ भेंट किए, या जब सनातन गोस्वामी ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ भेंट किए, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को किन किन शिक्षाओं को प्रदान किया, उन शिक्षाओं के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी के जिन शिक्षाओं को प्रदान किए, ये लगभग 2 महीने तक भगवान और भक्त के बीच का वार्तालाप हुई। अभी आप विचार करिए कि 2 महीने का वार्तालाप अगर कोई व्यक्ति इसको लिपिबद्ध करेगा तो ये कितने सारे पन्नों में हो जाएगा। क्योंकि भगवद गीता जब हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि ये केवल कुछ आधा घंटे का ही वार्तालाप है, और वो भी 700 श्लोकों में उसको समावेशित किए हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अगर कभी प्रयास करके देखेंगे, कोई भी एक प्रवचन को, एक घंटे के प्रवचन को अगर हम उसको लिपिबद्ध करने के लिए, ट्रांसक्राइब करने के लिए अगर प्रयास करेंगे, देखेंगे कई पन्ने हो जाते हैं। अभी सोचिए, 2 महीने की वार्तालाप को अगर उसको लिपिबद्ध किया जाएगा तो कितने सारे हो जाएंगे। मगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बहुत ही हृदय से धन्यवाद देना चाहिए, इतना गंभीर विषय और 2 महीने के वार्तालाप को उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, कोई भी विषय को छोड़े बिना और संक्षेप में उसको सार रूप में हमारे लिए केवल 5 अध्यायों में उन्होंने प्रस्तुत कर लिया। ये चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का ये जो वार्तालाप है, श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्य लीला के अंतर्गत 20, 21, 22, 23, 24 इन 4 अध्यायों में, इन 5 अध्यायों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है उसको लिपिबद्ध किया है। यानी सनातन गोस्वामी की जो शिक्षा है, यानी सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जिन शिक्षाओं को प्रदान किए, ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20, 21, 22, 23 और 24 इन 5 अध्यायों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने संक्षेप में और सार रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से इसको वर्णन किए हैं। तो हम आज क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं श्रील सनातन गोस्वामी जी के लिए, उन शिक्षाओं को 20 नंबर अध्याय से प्रयास करेंगे उसको और संक्षेप में और सार रूप में हम कितना जो है समझ पाते, उसके अनुसार मुख्य मुख्य विषयों को सुनने के लिए या समझने के लिए आज हम लोग प्रयास करेंगे। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, सारे गौर पार्षद वृंद की जय। तो मध्य लीला के 97 श्लोक से मैं पढ़कर आप लोग को सुनाऊंगा। ये चैतन्य चरितामृत बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। हम जितने भी गौड़ीय वैष्णव है, हम सभी लोगों को कंपलसरी चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना चाहिए। देखिए, मैं इस बात को कई बार बता चुका हूँ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में जानने के लिए अनेकों ग्रंथ हैं, परंतु इन अनेकों ग्रंथों में से 3 ग्रंथ जो है वो मुख्य होते हैं। क्या क्या है वो 3 ग्रंथ? चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल। ये चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल, ये 3 मुख्य ग्रंथों में से भी हमारे श्रील प्रभुपाद, जो हमारे मूलभूत शिक्षा गुरु और हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य है, उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत के ऊपर अपना विस्तार टीका को, या भक्ति वेदांत टीका को उन्होंने प्रदान किया। क्योंकि श्रील प्रभुपाद इस बात को जानते थे, हम जैसे इस भौतिक जगत के और आधुनिक जमाने के जो बुद्धिजीवी है, या जो लोग हैं, मंद बुद्धि के जो लोग हैं, तो वे इन लोगों के लिए चैतन्य चरितामृत ही एकमात्र उपाय है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सही तरीके से समझ प्रदान करने के लिए। क्योंकि
चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जो लोकचंद दास ठाकुर और वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा वर्णन किया गया, मगर चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही सुंदर सिद्धांतों को या श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिक्षाओं के सिद्धांतों को वो समझाते हैं। चैतन्य भागवत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला से लेकर संन्यास लीला तक का जो लीलाएँ हैं वो बहुत ही विस्तार रूप से वर्णन किया गया है, मगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी संन्यास लेने के बाद से लेकर अंतिम लीलाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएँ असलियत में काल्पनिक नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है। इन बातों को समझाने के लिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से ये बंगाली पयारों के साथ साथ वो वेद और पुराणों के प्रमाणों को और संदर्भों को वो वहाँ पर कोटेशन के रूप में लिखते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में आप देखेंगे जितना बंगाली पयार है उससे ज़्यादा तो संस्कृत पयार मिलेंगे, पुराणों के उदाहरण मिलेंगे, उदाहरण मिलेंगे और प्रमाण हमको वेद शास्त्रों से उपनिषद से प्राप्त होता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हम जैसे मंद बुद्धियों के लिए ये चैतन्य चरितामृत को प्रदान किए हैं और श्रील प्रभुपाद जानबूझकर हम सभी लोगों के लिए चैतन्य चरितामृत के ऊपर ही उन्होंने टीका प्रदान किया और ताकि हम जैसे मंद बुद्धि के लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को समझ पाएँ और श्री चैतन्य महाप्रभु जी को समझ पाए कि वह कृष्ण स्वयं है, कोई और नहीं है। इसलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से हालांकि पूरे विश्व भर में भगवान विष्णु के भक्त हो सकते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वैष्णव है, मगर राधा कृष्ण की प्रेम को अगर प्राप्त करना है या कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है तो उस व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना बहुत जरूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेम को प्राप्त कर पाना ये असंभव की जैसा है, क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ही वो अवतार है भगवान की जो अपने ही प्रेम को, माधुर्य प्रेम को प्रदान करने के लिए इस धराधाम में प्रकट हुए थे। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु को जानने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए भक्तों, कृष्ण के प्रति स्वाभाविक ही भारत में सभी लोग जो है उनकी रुचि और आस्था रहता है, भगवान श्री राम के प्रति रहता है, मगर श्री चैतन्य महाप्रभु को सही सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ में जुड़े हुए कई ऐसे भक्त हैं, कई सालों से जुड़े हुए होने के बावजूद भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति उतना प्रेम या उतना जो लगाव है वो जागृत अपने हृदय में कर नहीं पाते हैं। इसलिए हम सभी भक्तों को चाहिए कि हमें गौड़ीय वैष्णव बनना है और गौड़ीय वैष्णव बनना है तो गौड़ीय वैष्णव बनने के लिए हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को जानना होगा और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छी तरीके से जानना है तो उसके लिए हमको श्री चैतन्य चरितामृत को जो है अध्ययन या श्रवण जो है उसको करना बहुत जरूरी है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में से हम लोग पाठ करते हैं और पाठ करते हुए श्री सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जिन शिक्षाओं को प्रदान किए हैं उसको समझने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला श्लोक नंबर 97, ये संस्कृत का श्लोक है। कृष्ण स्वरूप माधुर्य ऐश्वर्य भक्ति रसाश्रयम् तत्त्वं सनातनं नायेशः कृपयोपदेश सह। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सनातन गोस्वामी को भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के संबंध में बताया। उन्होंने भगवान के माधुर्य प्रेम, उनकी निजी ऐश्वर्य तथा भक्ति रस के विषय में भी बताया। महाप्रभु ने ये सारे तत्व अपने अहेतु की कृपावश सनातन गोस्वामी को बताया। अभी देखिए यहाँ पर इस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उनकी पूरी शिक्षा में वार्तालाप में क्या शिक्षा दिया उसको सार रूप में एक श्लोक में उन्होंने बता दिया। क्या बताया? कृष्ण स्वरूप माधुर्य ऐश्वर्य भक्ति रस, ये चार चीज़ों को, भगवान कृष्ण के स्वरूप के बारे में, भगवान कृष्ण के माधुर्य के बारे में, भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य शक्ति के बारे में और भगवान कृष्ण के भक्ति तत्व भक्ति रस के बारे में भगवान श्री चैतन्य ने
सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान किए हैं। तो याद रखना चाहिए कृष्ण के स्वरूप, कृष्ण के माधुर्य, कृष्ण के ऐश्वर्य और भक्ति रस के बारे में भगवान कृष्ण ने, भगवान श्री चैतन्य ने, भगवान श्री चैत श्रील सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान किया। तबे सनातन प्रभुर चरणे धरिया दैन्य विनित करे दंते तृणलया। अभी बंगाली प्यार आता है। तो क्या हुआ, तबे सनातन प्रभुर चरणे धरिया दैन्य विनित करे दंते तृणलया। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने दांत में एक घास के तिनके को लेकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। देखिए, दांत में घास के तिनके को लेकर प्रणाम करने का तात्पर्य है, जिनको प्रणाम कर रहे हैं उनके सामने हम एक घास के तिनके की बराबर समझना, अपने आप को एक तुच्छ और सामान्य व्यक्ति के रूप में या उनके सामने, आपके सामने हमारा कोई योग्यता नहीं है, उसको साबित करने के लिए दांत में तिनके को लेकर प्रणाम करते हैं। हम कभी किसी के पास जाकर प्रणाम करते हैं, चाहे गुरु या कोई भी महान वैष्णव, तो हम अपना परिचय किस प्रकार से देते हैं मालूम है? हम मूर्ख हैं, बहुत नम्र हैं, उस प्रकार से परिचय नहीं देते हैं। हम क्या क्या बहुत बड़े बड़े कार्य कर लिए हैं और हमने कितना ऊँचे ऊँचे कार्य किए हैं उनके बारे में अपना बखान देते हैं और अपने परिचय को प्रदान करते हैं। ये हमारी मूर्खता है। असलियत में जब हम गुरु के पास जाते हैं, जब हम भगवान के पास जाते हैं, हमें हमेशा तृण से भी अधिक नम्र जो है और तुच्छ जो है मनोभाव के साथ हमको जाना चाहिए। हमारा कोई योग्यता है ही नहीं उनके सामने। इस प्रकार की मनोवृत्ति जब तक नहीं होती है तब तक ना भगवान ना ही जो स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु है, हमको वो स्वीकार नहीं करते हैं पूर्ण रूप से। अभी क्या कहते हैं देखिए, नीच जाति नीच संगी पतित अधम कुविषय कुपे पड़ी गोड़ाई गोड़ाई नो जन्म। नीच जाति नीच संगी पतित अधम कुविषय कुपे पड़ी गोड़ाई नो जन्म। कितनी महत्वपूर्ण बात है, मैं अभी बता रहा था। हम किसको मिलते हैं तो अपना परिचय कैसे देते हैं कि हम कितने महान हैं उसके बारे में हम कहते हैं, हमने क्या क्या बड़े बड़े कार्यों को कर लिए हैं उसके बारे में कहते हैं, हम कैसे एक संभ्रांत परिवार से जुड़े हैं उसके बारे में कहते हैं। मैं राजघराने का हूँ, मेरा इतना संपत्ति है, या तो हम थोड़े भक्ति में अगर आते हैं, मैंने इतना बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं इतना दान दिया हूँ, मैं इतने लोगों को प्रचार किया हूँ, मैंने इन इन चीज़ों को कर लिया हूँ, इसके बारे में हम इस प्रकार से हम परिचय देते हैं। और यहाँ पे सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं देखिए, नीच जाति नीच संगी पतित अधम। नीच जाति नीच संगी पतित अधम। आप थोड़ा विचार करिए, श्रील सनातन गोस्वामी के परिचय को हम लोग जानते हैं शुरू से, क्या ये नीच जाति के थे या पतित थे, अधम थे, मगर वे अपने आप को नीच पतित और अधम मानते थे। और विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने वो अपने उस नम्रता को एज इट इज प्रस्तुत करते थे, ये कोई दिखावटी नहीं था। कई बार हम इस बात को ये वैष्णवता में जब समझ भी सुनते हैं कि अरे अपने को नम्र बनना चाहिए, तुच्छ समझना चाहिए, तो कभी कभी हम जब भी वैष्णव के सामने जाते हैं, दूसरे से मिलते हैं, तो हम एक बनावटी नम्रता को व्यक्त करते हैं, हाँ प्रभु जी मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मगर अंदर से जो भाव रहता है कि अरे मेरे को इतना सारा मालूम है, जस्ट हम बोलने के लिए इस प्रकार से एक्चुअली बोलते हैं। सनातन गोस्वामी केवल बोलने के लिए नहीं, वो हृदय से ही वे उतना नम्र थे। आप याद करिए उन दिनों को जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु अपने वृंदावन की यात्रा के समय सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को उनके गांव में मिले थे, उस समय रूप सनातन दोनों आकर उसी प्रकार के नम्रता के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना और प्रणाम किए थे। दोबारा जब भी बनारस में तपन मिश्रा के घर के सामने बैठे हुए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी उनको मिलने के लिए आए, जब भी गले मिलने के लिए आते हैं चैतन्य महाप्रभु, तभी सनातन गोस्वामी भगवान को मना करते हैं कि मैं बहुत पतित हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, आप कृपया मुझे स्पर्श मत करिए करके इस प्रकार से अपने आप को व्यक्त करते हैं। जब भी एक बड़ा व्यक्ति हमारा गुणगान भी करता है
या हमारे बारे में बात करता है या कभी हमको गले मिलने आता है तो हमको बहुत ही नम्र हो जाना चाहिए। कभी कभी ऐसे दिखाई पड़ता है, कभी कोई ऊँचे कोटि के वैष्णव हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए या हमारे साथ थोड़ा सा इंटीमेट होने के लिए थोड़ा सा मीठे बातें और थोड़ा सा फ्रेंडली बातें अगर करते हैं तो हमारा छाती फूल जाता है और हम तुरंत जो है ना उनको उनको गले में हाथ डालने जैसे के कार्यों को भी करने लग जाते हैं। मगर हमको याद रखना चाहिए, हम वरिष्ठों के सामने भगवान के सामने हमेशा अपने नम्रता को और अपने दैन्यता को बनाए रखना चाहिए। देखिए श्रील सनातन गोस्वामी, उनका जन्म जो है बहुत ही ऊँचे ब्राह्मण कुल में हुआ था। भरद्वाज गोत्र ब्राह्मण कुल में एक्चुअली सनातन गोस्वामी का जन्म हुआ था। दक्षिण भारत के कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार से थे वो। बाद में वे उनके पूर्वज जो है वो बंगाल आ गए थे, यजुर्वेदी ब्राह्मण हुआ करते थे वे लोग। केवल उतना ही नहीं, आप अगर उनके ज्ञान के बारे में सुनेंगे आप आश्चर्य हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं ये जो नवाब है बंगाल का, जो मुसलमान राजा, वे रूप और सनातन को किस प्रकार से प्राप्त किए, वो कैसे मिले उनको वहाँ पर, मैं उनके बुद्धि के बारे में बताने के लिए आपको बताता हूँ। तो एक बार नवाब हुसैन शाह, जो बंगाल का मुसलमान राजा है, वो एक मीनार बना रहा था। उस समय रूप सनातन उनके पास नहीं थे। जब भी वो मीनार बना रहा था, उसके आर्किटेक्ट के साथ मिलकर वो मीनार की बहुत ऊंचाई तक चढ़कर उस मीनार को देख रहा था, बहुत ही सुंदर बना हुआ था। तो राजा ने उस आर्किटेक्ट को धन्यवाद दिया और कहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मीनार बनाया। तो वो आर्किटेक्ट ने यह बोल दिया, अरे महाराज ये क्या, इससे भी और अच्छा अच्छा मैं बना सकता हूँ अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो। राजा ये सुनते ही उस आर्किटेक्ट को, वो कारीगर को, वो मीनार के ऊपर से धक्का दे के नीचे गिरा दिया। क्योंकि राजा ये नहीं चाहता था कि जो मेरे लिए बनाया है वो कहीं और इससे भी अच्छा नहीं बनाना चाहिए। राजा ऐसे हुआ करते थे, मेरे लिए काम करेगा, दूसरे के लिए नहीं। इसलिए कभी कभी अच्छे जब भी कलाकृतियाँ बनती थी तो राजा उन लोगों के जो कारीगर है आर्किटेक्ट, उन लोग के हाथ काट देते थे या उनको मार देते थे। तो मार दिया उसको, और मारने के बाद वहाँ के जो सैनिक थे, दो सैनिकों को, वो मंत्री एक्चुअली उनके साथ जो चढ़े हुए थे, उनको बोले कि फलाना गांव में जाओ, और इतना बोल के राजा चले गए गुस्से में। और ये सैनिक लोग राजा को ये नहीं पूछ पाए कि हम उस गांव में क्यों जाएंगे और जाके क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आया। बस राजा गुस्से में थे क्योंकि उनको ऑलरेडी मार दिया, और ये लोग डर गए राजा को अगर हम पूछेंगे कुछ बोलेंगे कि पता नहीं हमको कुछ कर लेगा। ये सुनकर ये दोनों सैनिक चुपचाप उस गांव में पहुंच गए। जाकर बंगाल का एक गांव था, तो उस गांव में पहुंचे और गांव में इर्द गिर्द घूम रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि गांव में क्या करना चाहिए और राजा ने हमको इस गांव में क्यों भेजा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको। गांव वालों ने देखा कोई अनजान लोग आए हैं तो उनको पूछे कि भाई आप कहाँ से आए। लोगों ने बताया कि नवाब हुसैन से आके वहाँ से आए हैं हम लोग, मगर हम यहाँ पर क्यों आए हैं हमको भी पता नहीं क्योंकि राजा ने हमको कुछ बताया नहीं, मगर इस गांव में जाने के लिए बोला और हम डर के आ गए। गांव वालों ने बोले यहाँ पे दो ब्राह्मण लड़के हैं उनके पास जाओ, वो लोग आपको बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। और ये दोनों जाकर उस दो ब्राह्मण लड़कों को से मिलते हैं। तो ये दोनों ब्राह्मण लड़के उनको पूछते हैं कि आप कहाँ से आए, ना हम नवाब के वहाँ से आए, क्यों आए ना हमको पता नहीं क्यों आए, वही हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं। तब उन्होंने पूछते ठीक है पूरी घटना बताओ, तो उन्होंने पूरी घटना बताया कि कहाँ पर खड़े थे, कैसे वो आर्किटेक्ट को मार दिया उन्होंने, फिर हमको बोला वो गाँव में जाओ। ये सुनकर दोनों मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छा ये गांव में अच्छे आर्किटेक्ट मिलते हैं, कारीगर मिलते हैं, आप यहाँ से अच्छा कारीगर जो है उनको लेकर जाओ। वो लोग खुश हो गए और उस गांव से एक अच्छा आर्किटेक्ट को, कारीगर को लेकर जाते हैं मीनार बनाने के लिए, क्योंकि मीनार पूरा नहीं हुआ था और थोड़ा सा काम भी बाकी था उसका। तो राजा जब भी देखता है कि नवाब कि मीनार बनाने के लिए अच्छा कारीगर को लेकर आए हैं और वो कारीगर का नाम भी था, तो राजा प्रसन्न हो जाता है। मगर राजा को एक डाउट होता है, अरे मैंने तुम लोगों को उस गांव में जब भी जाने के लिए बोला तभी मैंने आप लोग को ये बताया ही नहीं था कि असलियत में उस गांव में जाके करना क्या है। आप लोग को कैसे मालूम पड़ा कि एक आर्किटेक्ट को या ये कारीगर को लेके आना है वहां से करके। तो उस बात को सुन के दोनों डरे, अगर झूठ बोलेंगे कि हमको समझ में आ गया, अगर पता लग गया तो मार देगा, इसलिए सच बात बता देना चाहिए। उन लोगों ने बताया कि हमको दो ब्राह्मण लड़कों ने बताया।
तो उन्होंने उस ब्राह्मण लड़कों को बुलाने के लिए बोले, और कई लोगों ने उनको सलाह भी दिया कि दो ब्राह्मण अगर दोनों मंत्री के रूप में आपके साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से आपके राज्य का बहुत ही प्रगति होगी। तब जाके नवाब ने उन दोनों ब्राह्मण लड़कों को अपने पास लेके आए। तो सोचो इतने विचक्षण बुद्धि वाले थे, केवल उतना ही नहीं उनको संस्कृत, बंगाली, पारसी जैसे विदेशी भाषा भी उनको उसी समय मालूम था। 7 साल के उम्र से ही ये वेद शास्त्रों का ज्ञान रखा करते थे, भागवत को जानते थे। ये ऐसे विद्वान, ऐसे ब्राह्मण परिवार के, और वे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नीचो जाति नीचो संगी पतित अधम, वो अपने आप को पतित बोल रहे हैं, नीच जाति का बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि असलियत में ये नवाब हुसैन शाह ने उन दोनों भाइयों को मजबूर किया था अपने पास नौकरी करने के लिए, उनको मजबूर किया था अपने पास नौकरी करने के लिए। जब उन दोनों ने मना किया कि हम आपके पास मंत्री के रूप में नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो नवाब ने बोला अगर आप नौकरी नहीं करोगे तो आपको तो मारेंगे मारेंगे, मगर साथ साथ में सारे सनातन धर्मावलंबियों को हम मार देंगे। इस बात को सुन के दोनों भाइयों ने नवाब की तो नवाब की बातों को वे लोग राजी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कई दिनों तक मुसलमान राजा के पास उन्होंने नौकरी किया, इसलिए वे अपने आप को बहुत ही अधम और पापी मानते थे। क्योंकि मुसलमानों के साथ उन्होंने रहा, मुसलमान के हर कार्यों में ये लोग भी अपने आप को भागीदार मानते थे। हालांकि उन्होंने जीवन भर भागवत का अध्ययन किया और भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते थे, वृंदावन वो जहाँ पर रहा करते थे वहाँ पर वो वृंदावन का वातावरण बना के रखे हुए थे, फिर भी वे अपने आप को पतित मानते थे। कुविषय कुप पड़ी गड़ाई नु जन्म, तो इस प्रकार से मेरा जीवन, हमारा जीवन गया है कुविषय में हमारा मति, यानी ये राज कार्य जो है, राजा को मदद करना जो है, सारा कुविषय मानते थे वो लोग। और प्रतिदिन हालांकि वो लोग घर में भागवत पढ़ा करते थे, वृंदावन की लीलाओं का स्मरण करते थे, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते थे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से कब मिलेंगे उसके बारे में वो दोनों भाई सोचा करते थे, फिर भी वे अपने आप को अधम मानते थे। अब सोचिए हम अगर किसी को मिलेंगे तो हम पहले ये बताएंगे हम तो इस्कॉन आने से पहले से भक्त हैं, हम पहले से हरे कृष्ण महामंत्र जानते हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम इतना माला जप करते हैं, हम इतने लोगों को जोड़े हैं, हम ये किए हैं, हम वो सेवा किए, हम ये उपवास किए, हम ये जान किए, हम ये धर्म किए हैं, हमने ये त्याग दिया है, उन सारा परिचयों को हम प्रदान करते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर भगवान भी अगर साक्षात प्रकट हो जाते हैं हमारे सामने और पूछेंगे और प्रकट हो जाते हैं कि अगर आपको पूछते हैं कि आप कौन हो, तो हम ये सारा लिस्ट बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या क्या सेवा किए हैं, हम हमारा जीवन दिए हैं, हमने तो पूरा जीवन को निछावर कर दिया आपकी सेवा के लिए, हमने ये त्याग दिया, हमने वो त्याग दिया, उस प्रकार के कई वर्णन करने लग जाएंगे भगवान के सामने। ये हमारा स्थिति है और ये सनातन गोस्वामी, ये दैन्यता नम्रता कहा जाता है इसको। ये वैष्णविज्म जो है ना, वैष्णवता, ये आसान नहीं है समझना। श्रील प्रभुपाद जी ने इसको आसान बनाया है, 4 नियमों का पालन करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवत धाम प्राप्ति हो जाएगी, इस्कॉन में बने रहो। मगर जब और गंभीरता और गंभीरता और गंभीरता से अगर इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे तब हमें पता लगता है कि कितना गंभीर विषय है। एक भजन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने उसको लिखे हैं, भजन का नाम है वैष्णव के, वैष्णव कौन है उसके बारे में उन्होंने लिखा, उसको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे कभी। कितना सुंदर है, ऐसा लगता है कि अपने को आईना दिखाया जा रहा है कि हम लोग वैष्णव नहीं है करके। जब तक हम गौड़ीय आचार्यों के भजनों को, गौड़ीय आचार्यों के द्वारा वर्णन की गई ग्रंथों को सही तरीके से पढ़कर उसको अपनाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हम गौड़ीय बन ही नहीं सकते। और जब तक गौड़ीय नहीं बनेंगे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना तो राधा और कृष्ण की प्रेम तो असंभव प्राय है। आपणार हिताहित किछु ना जानी ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी, आपणार हिताहित किछु ना जानी। और ऐसे विद्वान पंडित होके वो क्या कह रहे हैं कि मुझे कोई हिताहित ज्ञान के बारे में, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है कुछ नहीं मालूम है भगवान। और रही बात
बाहर के कुछ लोग ना मुझे पंडित कहते हैं, और मैं भी इतना बुद्धू हूँ कि उसको सही समझ लेता हूँ। देखो क्या लिखे, ग्राम्य व्यवहार है पंडितो ताई सत्य मानी। ग्राम्य व्यवहार में मुझे कुछ लोग पंडित मानते हैं और मैं सत्य मान लेता हूँ, हालांकि सत्य बात यह है कि मुझे कोई हिताहित ज्ञान नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कोई ज्ञान, कोई 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 ज्ञान मेरे पास नहीं। ये हमेशा होता है, हम थोड़ा बहुत अगर कुछ बातें बताते हैं किसी को, चाहे वो व्यवहारिक बातें हो या शास्त्रों के बातें हैं, तो लोग हमको बोलते हैं अरे कितना मालूम है आपको, तो बहुत ज्ञान है। तो हमारा छाती फूल जाती है, हमारा कलर टाइट हो जाता है कि मुझे बहुत ज्ञान मालूम, मुझे बहुत अच्छे से मालूम। कई बार ये भ्रम जो है ऐसा भ्रमित करता है व्यक्ति को कि जब लोगों का गुणगान मिलता है ना, ये भी अच्छा बोल रहा है, ये अच्छा बोल रहा है, वो अच्छा हो, जबकि सभी लोगों से गुणगान मिलता है ना, हमारा मति भ्रष्ट हो जाता है उस समय पर। और हमें ये भ्रम होता है कि सच में मैं पंडित हूँ, सच में मुझे बहुत मालूम है। और कभी कभी ऐसा भी दिमाग में नशा चढ़ जाता है कि जब भी ग्लोरीज सुनते हैं कि बहुत अच्छा है, आपने तो बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, अरे प्रभु जी आपके जैसा प्रवचन कोई नहीं देता है, आपके ही प्रवचन सुनने के लिए हम आते हैं, हमको तो दूसरे का प्रवचन अच्छा नहीं लगता है, ये बात को सुन के ऐसा लगता है कि आहा हम सबसे महान हैं। यहाँ तक कि कभी कभी खुद के गुरु से भी महान मानने लगते हैं अपने आप को, हमको सिखाने वाले व्यक्ति से भी महान मानने लगते हैं अपने आप को। ये भ्रम है। मुझे याद है तो नया नया हम भक्त बने थे, उस समय हमको भक्ति सदाचार क्लासेस लेने के लिए प्रभु जी ने दिया था मीरा रोड में, तो प्रभु जी की अध्यक्षता में हम लोग भक्ति सदाचार क्लासेस लिया करता था। तो हम क्लास लेते थे, कई सारे लोग आते थे, तो हम अच्छे से क्लास लेते थे, हमको प्रश्नोत्तर करते थे, पूछते थे, बोलते थे प्रभु जी आपने बहुत अच्छा क्लास लिया, बहुत अच्छा क्लास लिया। हम पहले से सुने हुए थे कि इस प्रकार के ग्लोरीज में फंसना नहीं चाहिए, फिर भी लगता था सही बात है, अच्छा क्लास लेता रहेगा। बाद में पता लगा जब क्लासेस सब खत्म हो गई, एक भक्त ने बताया प्रभु जी कुछ लोग हैं, दो तीन लोग हैं, वो इसलिए आते थे कि वो केवल आपको मजाक करने के लिए, और इसलिए आपके पास जाके बोलते थे आप अच्छा क्लास लिया, आप अच्छा क्लास लिया। कर हमें क्या पता है, जो भी थोड़ा बहुत पता है ना, वो श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़कर और गुरुजनों से सुनकर वो हमारे छोटे से बुद्धि में, वो भी हम अगर 100% अगर सुनते हैं शब्दों को, उसमें से शायद ही 10% तो हमारे भेजे में उतरता रहेगा, हमारे हमारे बुद्धि में जो ना सेट होता रहेगा, और उसको हम बोलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं आपने बहुत अच्छा बोला करके। तो वो ग्लोरी असलियत में हम जिन प्रभु जी से सुने और श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का है, और गुरु के आशीर्वाद और कृष्ण की कृपा। कृष्ण खुद गीता में कहते हैं मत्त बुद्धिर ज्ञान अपहनंच, मैं ही ज्ञान बुद्धि प्रदान करता हूँ, मत्त स्मृतिर ज्ञान अपहनंच, ज्ञान भी प्रदान करता हूँ और भुला भी देता हूँ। तो फिर जो किसी के द्वारा दिया गया चीज को लेकर हम अहंकारी और गर्वित कैसे हो सकते हैं। सनातन गोस्वामी देखो कितना अच्छा कह रहे हैं, अपनार हिताहित तो किछु ही नहीं ज्ञान, किछु ही नहीं जानी, कुछ नहीं मालूम मुझे, मेरे को क्या है सही है क्या गलत है। मगर हर समय हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमसे बढ़कर ज्ञानी तो इस संसार में कोई नहीं है, हमको सब कुछ मालूम है। और सबसे बड़ी खतरनाक काम हम क्या करते हैं मालूम है, हम सबको सलाह देना चाहते हैं, यहाँ तक कि हमको सिखाने वाले व्यक्ति को हम सलाह दे देते हैं, हमारे गुरु जी को भी हम सलाह देने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं है गुरु महाराज वैसा है, ऐसा नहीं है प्रभु जी वैसा है, आप सुधर जाइए, इस प्रकार से हम सलाह देने लग जाते हैं और हम अपने आप को पंडित मानने लग जाते हैं। कृपा करी यदि मोरे करी अच्छे उधार, आपन कृपा ते कह कर्तव्य अमार। हे भगवान, आपने निश्चित रूप से मेरा उद्धार तो किया है भौतिक संसार से, मुझे बाहर निकाल कर, और अभी कृपा करके मुझे मेरे कर्तव्य के बारे में बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए।
गुरु के पास जब जाते हैं, साधु के पास जाते हैं ना, ऐसे प्रश्न करना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है वो बताइए, हमें अपना आइडिया नहीं देना चाहिए वहाँ पर जाकर। एक शिष्य का एक कर्तव्य, जब गुरु उनको आदेश देते हैं तब उनको समझना चाहिए कि ये गुरु का आदेश है और यही मेरा कर्तव्य है। फिर वो प्रश्न पूछते हैं, के अमी केनो अमाय जारेता पत्रय, यहाँ ना ही जानी के मने हित होय। के अमी केने अमाय जारेता पत्रय, यहाँ ना ही जानी के मने हित होय। यहाँ ना ही जानी, अगर इसको नहीं जानते हैं तो के मने हित होय, तब हमारा हित कैसा होगा, किस प्रकार से हमारा हित हो सकता है अगर यही मुझे मालूम नहीं है। तो क्या मालूम नहीं है कि के आमी मैं कौन हूं, मुझे मालूम ही नहीं। और केने अमाय जारे तापत्रय, और क्यों मुझे इस संसार के तीन प्रकार का ताप सताते हैं, हम लोग जानते रहेंगे तीन तापों के बारे में, अधिभौतिक, अधिआत्मिक, अधिदैविक, ये तीन ताप होते हैं, त्रिताप कहते हैं उसको। तो इस संसार में हर क्षण हमको मिलते रहते हैं ये तीन ताप, शरीर से कष्ट मिलता रहता है, दूसरे लोगों से कष्ट मिलता रहता है, देवताओं से कष्ट मिलता रहता है। ये दूसरों से कष्ट तो अभी बहुत भयानक मिल रहा है, किसी को भी छूना मना है, छूना तो दूर बाहर निकलना मना है इन दिनों में। किस प्रकार सा ये विदेश चाइना से एक बीमारी फैल गया है, कोरोना, और सब लोगों का हालत खराब करके रखा है विश्व में। श्रील प्रभुपाद जी ने इसके बारे में पहले से सतर्क किए थे। श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रकार के जो महामारी है उस महामारी के बारे में पहले से बोले हैं। श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के एक पर्पट में प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके बारे में, कहते हैं कि जिस देश के लोग अगर पशुओं को अनायास ही बद्ध करते हैं, उन्हें प्रकृति के द्वारा महामारी का सामना करना पड़ेगा। क्लियर स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का। देखो, तो ये अधि भौतिक क्लेश, दूसरों से कष्ट मिल रहा है, और इस प्रकार से प्रतिक्षण पदम पदम विपदाम ये तेषाम, प्रतिक्षण जो है हमको विपत्ति विपत्ति है संसार में, कभी शरीर से तो कभी दूसरे व्यक्ति से, ना कभी देवताओं से। तो ये क्यों कष्ट मिल रहा है, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, इतना कष्ट मुझे क्यों मिल रहा है, मैं है कौन। जब तक ये नहीं मालूम है, ये प्रश्न नहीं करते हैं, तब तक हमारा क्या हित हो सकता है, क्या हित हो सकता है अगर व्यक्ति खुद को ही नहीं जानता है। तो जितने भी समस्याएं हैं ना, अपने को भूलने के वजह से हम भूल जा रहे हैं कि हम कौन है। हालांकि प्रभुपाद, गुरु, साधु, शास्त्र बार 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 रिपीटेडली इसके बारे में हर प्रवचन में हर किताब में हर जगह पर इसके बारे में बताए हैं, मगर हम उस बात को भूल जाते हैं। और जैसे ही भूल जाते हैं शुरू हो जाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को करने के लिए प्रयास करते हैं, तब कष्ट सताता है। तो सबसे पहला बात है कि अपने आप को भूलना, असलियत में अपने आप को भूलना ये अनर्थ है, इसको अनर्थ कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य करके इन अनर्थों के बारे में हम सुने हैं, मगर इसके अलावा कई ऐसे अनर्थ हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के माधुर्य कादम्बिनी नामक ग्रंथ को अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सारे अनर्थों के बारे में, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं, और वो सारा चीज़ें हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है। और जब तक कि अनर्थों से हम निकल नहीं जाते हैं, तब तक हमको कैसे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकती है। अनवांटेड चीज़ें ही हृदय में घर करके बैठा हुए,
तो फिर कैसे मिलेगा कृष्ण प्रेम? मैं कौन हूं न जानना या मैं कौन हूं उसको भूल जाना, ये अनर्थ है, इसको अनर्थ कहते हैं। इस अनर्थ का एक नाम दिए हुए हैं, स्वरूप ब्रह्म अनर्थ। स्वरूप ब्रह्म, स्वरूप मतलब खुद का स्वरूप को भूल जाना। ये स्वरूप ब्रह्म अनर्थ भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्वस्वरूप भ्रम, भगवत स्वरूप भ्रम, साध्य वस्तु के स्वरूप भ्रम, साधन वस्तु स्वरूप भ्रम। स्वस्वरूप भ्रम मतलब अपने आप को भूल जाना, मैं कौन हूँ। भगवत स्वरूप भ्रम, भगवान को भूल जाना। साध्य वस्तु स्वरूप भ्रम, जीवन में क्या प्राप्त करना चाहिए उसके बारे में भूल जाना। साधन वस्तु, उसको प्राप्त करना चाहिए, करने प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए उसको भी भूल जाना। साधन वस्तु स्वरूप भ्रम, ये अनर्थ है। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या सनातन गोस्वामी सच में अपना स्वरूप को भूल गए थे और उनके अंदर अनर्थ था इसलिए अपने स्वरूप के बारे में पूछ रहे हैं? ना जी, जो साधु होते हैं वे जानने पर भी इस प्रश्नों को पूछते हैं। जब गुरु के मुख से वो बात को हम सुनते हैं, वो चीज और दृढ़ता से हमारे हृदय में दृढ़ हो जाता है, ताकि हम उसी प्रकार से हमारा जीवन यापन कर सकते हैं। बार 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 सुनने के लिए इसीलिए प्रश्न करते हैं। असली बात यह है, ये प्रश्न करने के लिए भी योग्यता चाहिए और वो योग्यता भी कृष्ण प्रदान करते हैं। कृष्ण के प्रदत्त योग्यता के बिना इस प्रकार से प्रश्न भी कोई कर नहीं सकता है। कृष्ण की कृपा के बिना इस प्रकार से प्रश्न भी कोई करेगा नहीं। मैं कौन हूं ये प्रश्न पूछना कैसा लगता है? अब सोचिए, जब हम इस्कॉन में आते हैं, आते ही अपने को क्या पढ़ाया जाता है कि भाई हम जीवात्मा हैं। भगवद गीता कोर्स अटेंड करते उसमें पहले ही बोल देते हैं जीवात्मा है करके, पता लग गया कि जीवात्मा है। हम कभी दूसरे साधु से मिलें, गुरु महाराज से मिलें, वैष्णवों से मिलें, कभी ये प्रश्न पूछे हैं कि प्रभु जी बताइए मैं कौन हूँ, प्रभु जी बताइए मैं क्यों दुखी इस संसार में हूँ, कभी प्रश्न किए ऐसा? नहीं, कभी नहीं किए। अपने को लगता है कि अपने को मालूम है बहुत कुछ, अपने आप को बहुत सयाने समझते हैं हम लोग। गुरु की कृपा, कृष्ण की कृपा चाहिए इस प्रकार से प्रश्न पूछने के लिए, उतना नम्रता भी चाहिए। साधु जानने के बावजूद भी प्रश्न पूछते हैं गुरु के मुखारविंद से सुनने के लिए। जब ही हम जीवात्मा है, हम जीवात्मा है करके ज्ञान भले ही हम कई बार कई लोगों से सुने हैं, फिर भी जब भी हम ऊंचे कोटि के वैष्णव से दोबारा सुनते हैं इस बात को, तभी हमारे हृदय में दृढ़ता आती है और उस प्रकार से जीने के लिए हम प्रयास करने लगते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं। इसलिए बार बार ऐसे प्रश्नों को करना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछने के लिए भी शर्म लगेगा। अगर हम पूछेंगे तब अरे इतना सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से, 12 सालों से तुम इस कौन में हो और तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। यही सही प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों संसार में कष्ट भोग रहा हूँ। क्या हम 12 सालों से, 15 सालों से, 10 सालों से इस्कॉन में हैं, जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हम सारे तापत्रय से बाहर निकल गए क्या? क्या सभी प्रकार के कष्टों से दूर हो गए क्या इस संसार के? अगर नहीं, तो फिर कैसे ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हम जाकर गुरु महाराज जी से कि मैं इस संसार के कष्टों को क्यों भोग रहा हूं करके? और क्यों गुरु महाराज से ये प्रश्न ना पूछकर अनाप शनाप के बातें जाकर वहां पर करते हैं? तो योग्यता चाहिए,
ऐसा प्रश्न पूछने के लिए। देखिए, एक होता है कृष्ण की कथाएं लीलाएं, आचार्यों की कथाएं लीलाएं, और एक होता है ये सिद्धांत। लीलाएं सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मगर जब तक ये सिद्धांत नहीं सुनेंगे और उसको समझ के अपने ऊपर अपनाएंगे नहीं, वो लीलाओं से उत्पन्न होने वाला जो भाव है वो सामयिक हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, भावुकता हो सकती है, और वो बदल भी सकता है। इसलिए सिद्धांतों को सुनने के लिए कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए, और प्रश्न सिद्धांतों का ही होना चाहिए, प्रश्न हमेशा सिद्धांतों का ही होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न करना चाहिए गुरुवर्गों को जाकर। तो पहला प्रश्न क्या पूछा उन्होंने, ध्यान रखिए, के आमी, मैं कौन हूं, केने अमाय जारे तापत्रय, मुझे इस संसार के तीन ताप क्यों सता रहा है, ये दूसरा प्रश्न है। फिर वो पूछ रहे हैं, साध्य साधना तत्व पूछिते ना जानी, कृपा करी सब तत्व कहत आपने। साध्य साधना तत्व पूछिते ना जानी, कृपा करी सब तत्व कह तो आपने। वास्तविकता यह है कि मैं नहीं जानता हूं कि जीवन के लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के विषय में किस तरह पूछूं। आप मुझ पर कृपा करके इन तत्वों को बताइए। अभी समराइज कर दिए कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आप कृपा करके मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए। साधना मतलब क्या करना चाहिए, साध्य मतलब किसके लिए करना चाहिए, साध्य साधना उसके बारे में मुझे बताइए करके पूछते हैं। अब देखिए प्रभु क्या बोल रहे हैं, यानी चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तुमाते पूर्ण होय, तब तत्व जानस तुमार नाही तापत्रय। भगवान जानते थे उनके बारे में, कितना सुंदर कहते हैं। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तुमाते पूर्ण होय, हे सनातन आपके ऊपर तो भगवान कृष्ण की पूर्ण कृपा है। सब तत्व जाना तुमार नाही तापत्रय, आप इन सारे तत्वों को जानते हैं। और रही बात तापत्रय की, सांसारिक कष्ट की, ना 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 ना, आपके ऊपर कोई तापत्रय नहीं है, आपको इस संसार के कष्ट सता नहीं सकते हैं। आपके लिए ये तीन ताप का कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप इससे परे हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी तो शाश्वत सेवक है भगवान के, वे अच्छे से जानते थे कौन है, इसलिए वो कहते हैं कृष्ण कृपा तुमाते पूर्ण है, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की पूरा कृपा है, आपको ये संसार के कोई ताप सता नहीं सकता है, और आप सारे तत्वों को सारे ज्ञान को जानते हैं। कृष्ण शक्ति धर तुमी जान तत्व भाव, जानी दृढ़ लागी पूछे साधुर स्वभाव। देखो क्लियर करते, कृष्ण शक्ति धर तुम्हें जान तत्व सब तत्व भाव, आप कृष्ण की शक्ति को प्राप्त करने के वजह से, कृष्ण के शक्ति के वजह से आप सारे तत्वों को जानते हैं, परंतु जानी दृढ़ लागी पूछे साधुर स्वभाव, अपने अंदर दृढ़ता को और स्ट्रांग करने के लिए और दृढ़ता को बनाने के लिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये साधु का स्वभाव है। तो मैंने बताया था आपको, हम जानने पर भी हम ये प्रश्न को पूछना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये बात जब भी गुरुमुख से हम सुनते हैं तभी हमारे हृदय में ये ज्ञान जो है ना और दृढ़ होता है और स्ट्रांग होता है, और यही साधु का लक्षण है कि वो बार बार इन बातों को पूछे नम्रता से अपने गुरु के पास जाकर। यहां पर भक्ति रसाम सिंधु का एक श्लोक को बताते हैं, देखिए, अचिरादेव सर्वार्थः सिद्ध येषाभिस्मितः सद्धर्मस्याबोधाय एषां निर्बन्धिनी मतिः। जो लोग अपने आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए उत्सुक है, ध्यान से सुनिए, जो लोग अपने आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए उत्सुक है,
जिन लोगों के पास अविचलित बुद्धि हैं और जो विचलित नहीं होते हैं वे अवश्य ही अतिशीघ्र जीवन का इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। योग्य प्राप्त हो तुमी भक्ति प्रवर्तायते कमे सब तत्व सुन कहिए तो माते। योग्य पात्र हो तुमी भक्ति प्रवर्तायते क्रमे सब तत्व सुन कहिए तो माते। देखो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, हे सनातन, कृष्ण की कृपा से, कृष्ण शक्ति के वजह से आप सभी तत्वों को जानते हैं, फिर भी अपने अंदर की दृढ़ता को बढ़ाने के लिए साधु के स्वभाव के वजह से आप इन बातों को पूछ रहे हैं, इसलिए आप योग्य हो। किसके लिए? भक्ति प्रवर्तायते, भक्ति के बारे में दूसरों को बताने के लिए, भक्ति को प्रचार करने के लिए, प्रवर्तन करने के लिए आप योग्य व्यक्ति हैं, इसीलिए क्रमे सब तत्व सुनो कहिए तो माते। इसलिए मैं सारे बातों को, सारे तत्वों को आपको बताऊंगा, क्रम के अनुसार बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। अब ये पहला उत्तर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या था सनातन गोस्वामी का? सबसे पहला प्रश्न था के आमी, ये प्रश्न था। तो अभी चैतन्य महाप्रभु प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं और यहीं से उनका शिक्षा प्रारंभ होता है। और ये श्लोक बहुत फेमस है, हम सभी लोग उसको जानते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यंश किरण ये छे अग्नि ज्वाला चय, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। सनातन गोस्वामी का प्रश्न क्या था कि मैं कौन हूं? तो भगवान चैतन्य ने उनको उत्तर क्या देते हैं, आप जीवात्मा हैं और कृष्ण के नित्य दास हैं। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, आप कृष्ण के नित्य दास हैं, साथ साथ में आप कृष्ण की शक्ति भी है। जीव जो है कृष्ण का ही शक्ति है, मगर वो कृष्ण नहीं है। उन कृष्ण में और उनकी शक्ति में अंतर है, जैसे शक्ति और शक्तिमान में अंतर है, ठीक वैसे अंतर है। किस प्रकार के अंतर हैं? वो कहते हैं भेदा भेद प्रकाश, आप उनके प्रकाश है मगर उसमें भेद और अभेद दोनों है, अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। यानी जीव भगवान के ही अंश हैं मगर वो भगवान से अलग भी है और भगवान के समान भी है, ये बात को वो कहते हैं। सूर्यांश किरण यचे अग्नि ज्वाला चय, स्वाभाविक कृष्णर तीन प्रकार शक्ति है। जिस प्रकार से सूर्य एक ही जगह रहते हैं मगर ब्रह्मांड भर में उनके किरणों के वजह से प्रकाश को फैलाते हैं, या आग एक ही जगह होता है उनके किरणों जो है प्रकाश जो फैलता है, ठीक उसी प्रकार से परम ब्रह्म भगवान एक जगह होते हैं मगर उनकी जो शक्ति है वो सब जगह प्रकाशित होता है। इस प्रकार से भगवान की तीन शक्तियां हैं और उसमें से एक शक्ति जो है जिसको तटस्थ शक्ति कहते हैं वो जीव है। देखिए इसकी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने जो लिखा है उसके बारे में उसको उदाहरण करके यहाँ पर दिए हैं, बहुत ही सुंदर है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इन श्लोकों का अर्थ इस प्रकार दिया है। क्या दिया है? श्री सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा मैं कौन हूँ, इसके उत्तर में महाप्रभु जी ने क्या बताया, तुम शुद्ध जीव हो। तो पहला उत्तर क्या है, तुम जीव हो, शुद्ध जीवात्मा, तुम ना तो भौतिक शरीर हो और ना ही सूक्ष्म शरीर हो। सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ, ग्रॉस बॉडी भी नहीं, सटल बॉडी भी नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर उसको क्लियर करते हैं। देखिए अब साधारणतः मैं कौन हूँ ये प्रश्न जब भी हम पूछते हैं तो फेसबुक में हमारा अपना फोटो खींच के डालते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैं यही हूँ करके। ये फेसबुक क्या मालूम है, वो अपना ये जो अनर्थ है ना, शारीरिकता को बढ़ाने का काम करता है और हम सब लोग उसमें फंसते हैं, अपना फोटो मस्त खींच के डालते हैं और हम सोचते हैं कि ये यही हूँ, यही है हम, वो नहीं है। ये जो ना, ये हमारा शरीर है, हम नहीं है ये समझना बहुत ज़रूरी है।
इसको जब व्यक्ति समझेगा तो ये शरीर के सजाने में, शरीर को फोटो खींचना खिंचवाने में और ये सब में बहुत वो अपने आप को बचाएगा, क्यों जब जितना ज़्यादा इसको करेगा व्यक्ति उतना शारीरिक भावना एक्चुअली बढ़ता है व्यक्ति के अंदर। मगर बहुत बुरा विषय क्या है मालूम है, दुखद विषय क्या है मालूम है, जैसे ये वायरस जो है, ये कोरोना वायरस चीन से आया हुआ फैला हुआ है ना, ठीक वैसे ही ये फेसबुक और व्हाट्सएप ऐसे फैला हुआ है, व्यक्ति अपना खुद का फोटो खींच के डालने में बहुत ही रुचि रख रहा है और लगभग लोगों ने इसमें फंसे हुए, लगभग लोगों ने अपना कैसे दिखते हैं उसको उसमें डालने में फंसे हुए, हम सब लोग उसमें फंसे हुए। और ये क्या करता है मालूम है भक्तों, असलियत में हमारी शारीरिक चेतना को बढ़ाता है और कुछ नहीं, ये बात है। तो क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कह रहे हैं तो शुद्ध जीवात्मा है आप, ना तो भौतिक शरीर है, ये जो दिख रहा है ये शरीर नहीं है, और ना ही सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार वो भी आप नहीं है। वस्तुतः तुम आत्मा हो, सर्वोपरि आत्मा कृष्ण के शाश्वत अंश हो, यानी परमात्मा का अंश है, अतएव तुम कृष्ण के नित्य दास हो, क्योंकि कृष्ण के ही आप अंश हैं, इसलिए आप उनके सेवक है या दास है। तुम कृष्ण की तटस्थता शक्ति हो। जगत दो प्रकार के हैं, भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत। तुम भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के बीच में हो, तुम्हारा संबंध भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों से हैं, इसलिए तुम तटस्थ शक्ति कहलाते हो। तुम कृष्ण से एक होकर भी भिन्न रूप से संबंधित हो। कितना सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर बताया, देखो दो संसार है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है, भगवान की तीन मुख्य शक्तियाँ हैं, आध्यात्मिक शक्ति जिसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं, भौतिक शक्ति जिसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं, जीव जो तटस्थ शक्ति है। तो जीव जो है वो असलियत में बीच में है, तटस्थ शक्ति, क्यों कभी वो आध्यात्मिक और कभी वो भौतिक, इस प्रकार से होता है, वो तट में रहता है, इसलिए उसका नाम है तटस्थ शक्ति जीव। भक्ति विनोद ठाकुर इस बात को कहते हैं और साथ साथ में क्या कहते हैं मालूम है कि कृष्ण से एक होकर भी भिन्न, आप कृष्ण के ही जैसे हो मगर उनसे अलग भी हो, कृष्ण से एक होकर भी भिन्न है। इसीलिए श्लोक में क्या गया कहा गया, भेदा भेद प्रकाश, कैसे एक होकर भिन्न, हम इस बात को जानते हैं अच्छे तरीके से, कृष्ण के साथ एक कैसे हैं, क्योंकि हम जो बने हुए हैं ना वो सत चित और आनंद से बने हुए हैं, और भगवान किससे बने हुए हैं, वो भी सत चित और आनंद से बने हुए हैं। तो ये सत चित और आनंद जो है ये हम भी बने हुए हैं, भगवान भी बने हुए हैं, इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं, भगवान और हम। भिन्न कैसे हैं, भिन्न वैसे हैं भगवान पूर्ण हैं और हम उनके छोटे से अंश हैं। जैसे एक आग जल रहा है और आग से एक चिंगारी बाहर निकल के आया, तो आग और ये चिंगारी दोनों आग है, मगर ये चिंगारी है और ये पूर्ण आग है, ये अंतर है। जैसे और एक उदाहरण है, समुद्र की पानी और ग्लास, समुद्र से निकला हुआ एक ग्लास भर का पानी, दोनों समुद्री पानी है, नमक वाला है, मगर वो तो बहुत ज्यादा है और अनंत है और ये ग्लास भर का है, कभी भी सूख सकता है। ये हम में और भगवान में अंतर है। कुछ ही मूर्ख लोग होते हैं वे अपने आप को भगवान मानते हैं या भगवान बनने के लिए प्रयास करते हैं, वो गधे लोग हैं, उनके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है आपने को। आगे क्या कहते हैं देखिए, एको देश स्थितर याग्ने योस्ना विता विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्तिर तथेम अखिलम जगत। एक देश स्थित अग्नि, एक देश स्थित अग्नि, जिस प्रकार से एक जगह में रहने वाला आग योस्ना विस्तारिणी यथा, उसकी जो योस्ना, योस्ना प्रकाश जो है वो जैसे विस्तार करता है सब जगह पर, परस्य ब्रह्मण शक्ति, उस प्रकार से परम ब्रह्म जो है वो क्या करते हैं, भगवान की शक्तियाँ इस प्रकार ब्रह्मांड भर में फैली हुई है, उनकी शक्तियाँ बॉस पूरे ब्रह्मांड भर में जो है वो फैला हुआ है। उदाहरण समझ में आया, कृष्ण स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति
चित शक्ति, जीव शक्ति, आरमाया शक्ति, तीन शक्ति के बारे में बताया था मैंने, वो यहां पर बताया। फिर वो आगे कहते हैं, तो ये तीन शक्ति में से जीव शक्ति तटस्थ है, वो कभी आध्यात्मिक यानी अंतरंगा शक्ति के अंदर में रहता है और कभी बहिरंगा शक्ति के अंदर में रहता है। जब ये अंतरंगा शक्ति के अंदर में रहता है वो सुखी रहता है, जब ये बहिरंगा शक्ति यानी माया शक्ति के अधीन में रहता है वो बेचारा दुखी रहता है। क्योंकि यहाँ पर कृष्णदास जी कहते हैं, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दिए संसार दुख। कृष्ण भूली से ही जीव, ये जो जीव है, जो तटस्थ शक्ति है, वो भगवान का ही अंश है, वो भगवान को भूल जाने के वजह से, कृष्ण को भूल जाने के वजह से, उनका संबंध कृष्ण के साथ का भूल जाने के वजह से अनादि बहिर्मुख हो, कई जन्मों से भगवान से बहिर्मुख हो जाने के वजह से, भगवान से बहिर्मुख हो जाना, भगवान से बहिर्मुख हो जाने के वजह से माया दिए तारे संसार दुख, ये संसार में माया उसको दुख देती है। कैसे दुख देता है मालूम है? अभी दुख के बारे में क्या बताना, भुगत रहे हैं अपन लोग, सब लोग विभिन्न प्रकार के कष्टों में हम लोग फंसे हुए हैं। ये कष्ट कैसा है मालूम है? ये कष्ट है, कभी कभी हमको लगता है कि नहीं कष्ट नहीं है, कभी कभी लगता है कष्ट है, कभी कभी हम लोग बहुत अच्छा जीवन है, बड़ा अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा नौकरी है, सब कुछ सही है, बहुत अच्छा लगता है, और खुशी से कभी कभी अहंकार हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, और किसी को पूछते भी नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, यही संसार अच्छा लगता है। फिर अचानक एक ऐसा बीमारी आता है, धराशाय कर देता है, तो कई दिन फिर बीमारी में जूझते हैं, तो बीमारी से कभी थोड़ा सा ठीक होते हैं, फिर से हम सोचते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार, ये बहुत अच्छा है, सुख है। हालांकि इस संसार में कोई सुख नहीं है भक्तों, इस संसार में कोई आनंद नहीं है। ये संसार कैसा है मैं बताऊं, इस संसार का जो सुख हम जिसको सोच रहे हैं वो कैसा है मालूम है? हम अभी सांस ले रहे हैं ना, हम कभी सांस के बारे में सोच रहे हैं, सांस ले रहे हैं करके, या हम सांस लेके आनंदित हो रहे हैं कभी? नहीं। कोई अस्थमा जिसको है, जिसको सांस की बीमारी है, वो सांस ले नहीं पाता है, अगर उसको तकलीफ है, जब ये नॉर्मल ब्रीथ करता है, सांस लेता है, तो उसको बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। ठीक वैसे हम जब भी नॉर्मल जीवन जीते हैं ना, उसको आनंद सोच रहे हैं हम लोग, वो नॉर्मल है, क्योंकि संसार अपने को इतना कष्ट देता रहता है माया, और उसमें इतना कष्ट भोगते रहते हैं, जब भी नॉर्मल स्टेट में आते हैं हम सोचते हैं खुश हो गए, वो खुशी नहीं है, वो नॉर्मल स्टेट है एक्चुअली, वो खुशी नहीं है। देखो मान लीजिए हमको सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, फिर हमने कोई टैबलेट लिया या कुछ रेस्ट लिया, और टैबलेट लेते ही सिर दर्द खत्म हो गया, ओ मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, सिर दर्द खत्म हो गया। सिर दर्द खत्म हो जाना, सिर दर्द ठीक हो जाना, ये आनंद नहीं है, ये नॉर्मल स्टेट है, क्योंकि नॉर्मली सिर दर्द नहीं होता है। ठीक वैसे ये संसार में हम बीमार अवस्था में रहते हैं, तो जब भी नॉर्मल अवस्था को आते हैं, हम सोचते हैं कि हम आनंदित हो गए, बड़े आनंद हो गए, खुश हो गए, वो आनंद नहीं है असलियत में। कभी कभी स्वर्ग में मिलता है जन्म, तो कभी नरक में मिलता है, कभी नीचे जोनी में जन्म मिलता है, तो कभी ऊंचे कोटि की जोनी में जन्म मिलता है, कभी धनी बनते हैं तो कभी गरीब बनते हैं, कभी ज्ञानी बनते हैं तो कभी मूर्ख के रूप में जन्म होते हैं। तो ये कैसे, ये उदाहरण यहाँ पे बहुत सुंदर देते हैं। देखो कृष्णदास जी बोलते हैं, ये संसार में जो हमको मिल रहा है ना, सुख और दुख, ऊंचा जोनी नीचे जोनी, स्वर्ग मर्त्य, ये सब कैसे मालूम है? कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए, दंड जने राजा ये नदी ते डुबाए। कभी कभी राजा किसी को जब भी दंड देना रहता है, वो पहले ऐसा दंड दिया करते, अभी देते, अभी पता नहीं, अभी तो शायद नहीं देते, किसी को दंड देना रहता है तो कैसे देते मालूम है? उस व्यक्ति को पकड़ के वो नदी के अंदर डुबाएंगे पानी में, सैनिक लोग, और बहुत देर रखेंगे,
जब भी छटपटाएगा छटपटाएगा, सांस लेने के लिए छटपटाएगा, जस्ट अभी बस मरने वाला रहेगा बहुत, मतलब अभी तो उसको छोड़ देंगे, फिर सांस लेगा जोर जोर से, ऐसा हो गया, तब थोड़ा सा अच्छे से ब्रीथ लिया रहेगा, सांस लिया रहेगा, उसको फिर से दबा देंगे अंदर। मेरे साथ एक ऐसा घटना हुआ था। क्या हुआ था, हमारा गांव में एक उस समय हम लगभग चौथे स्टैंडर्ड में या पाँचवीं स्टैंडर्ड में थे, और गर्मी का दिन था, और गर्मी के दिन में सुबह सुबह छुट्टियाँ, सुबह जो है ना 7 बजे से 10-11 बजे तक का कुछ होता है क्लासेस, स्कूल्स छुट्टी हो जाता है, फिर दोपहर को हम जाते हैं स्नान करने, और तालाब में जाते थे, तब भी पाँचवीं स्टैंडर्ड में भी तालाब में जाते थे, और तालाब का पानी भी सूख गया रहता है, थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, और उसमें ना धीरे से जाके ऐसा डुबकी लगा के आना रहता है, अगर थोड़ा अगर कूद फाद करेंगे तो पूरा मिट्टी उसमें घुल जाता है और मड्डी हो जाता है पूरा पानी, फिर दूसरे लोग नहा नहीं पाते हैं। तो दोपहर का टाइम है, कोई नहीं है, हम पूरे बच्चों का झुंड जाते हैं और पूरा कूदते हैं हम लोग वहाँ पे। वह क्या था, गांव के एक माता जी है, एक लड़की है, वो एक्चुअली नहा अपना कपड़ा धोने के लिए गई थी, और वो बैठ के कपड़ा धो रही है वहाँ पर, और हम बच्चे लोग कूदना शुरू कर दिए, तो उसमें क्या हुआ, मिट्टी मिट्टी के पूरा मड्डी मड्डी हो गया, वो बार बार बोल रही थी कूदना मत कूदना मत, हम लोग कूदा तो मेरे को पकड़ के मुंडी पकड़ के नीचे डुबा दी पूरा, और फिर से डुबा दी, बाप रे बाप, बहुत डर गया मैंने, पहली बार ऐसा मतलब ये हुआ, उसको हाबू डुबू करना पानी के अंदर बोलते हैं, तो उसने हाबू डुबू कर दिया था मुझे हमारे गाँव। तो सोचो जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो कैसा लगेगा। तो ये संसार में ऐसा मिलता है माया के द्वारा हमको, माया का हमको लगता है कि हम लोग बहुत आनंद है सुखी है, वो एक्चुअली नॉर्मल स्टेज है, और फिर दुखी रहते हैं। अभी देखिए, अभी प्रधानमंत्री बोले कि 21 दिन तक बाहर नहीं निकलने का, तो दुखी हो गए सब लोग, अभी क्या होगा सब डर रहे, अभी जब 21 दिन हो जाएगा और सब बाहर घूमें, हाँ अभी रिलैक्स होके घूमेंगे, मज़ा आ गया, खुश हो गए सब घूमेंगे, नहीं नॉर्मली हम घूम ही रहते हैं, अब 21 दिन की बंधक बना दिया गया, तो 21 दिन का अगर बंधक, एक्चुअली बंधक मतलब घर में रहने के लिए बोला गया, फिर 21 दिन के बाद हम लोग सोचने आनंद हो गए हम लोग, या ये वायरस का तो मजा आता, आनंद हो गया, नहीं वो नॉर्मल स्टेट है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, कबू सर के उठाए कबू नर के डुबाए, दंड जने राजा ये न नदी ते डुबाए। इस प्रकार से माया क्या करता है अपने को, इस संसार में हाबू डुबू कराता रहता है। तो हम आगे जो है कल आगे के श्लोकों के बारे में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।